हेलो दोस्तों, सेविंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में LIC का एक बहुत ही शानदार प्लान है जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ख़ास बात यह है, इस प्लान में जितने समय के लिए आप पॉलिसी को है जो खरीदेंगे, उससे कम समय के लिए ही आपको है जो प्रीमियम भरना होगा। मान लीजिए दोस्तों, आपने 16 साल के लिए पॉलिसी ली है तो 10 साल ही आपको है जो किस्तें भरनी है, उसका जो प्रीमियम है वो पे करना है। 6 साल आपको यहाँ पर प्रीमियम भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि दोस्तों, आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो पूरे 16 साल के मिलेंगे। तो ये पॉलिसी दोस्तों पूरे LIC के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा लोग इस पॉलिसी को है जो बाय करते हैं। दोस्तों, इस पॉलिसी का जो टेबल नंबर है वो यहाँ पर 836 और पॉलिसी का नाम है यहाँ पर LIC जीवन लाभ प्लान। दोस्तों, जिस प्रकार इस पॉलिसी का नाम है वैसे ही इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो इस प्लान का पूरा प्रोसेस हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, वो भी कैलकुलेशन के साथ में। लेकिन उससे पहले इस पॉलिसी की जो बेसिक जानकारी है, जो बेसिक नॉलेज है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पॉलिसी के बोनस की। तो ये प्लान दोस्तों हाई बोनस के लिए है जो जाना जाता है, यानी कि हाई बोनस के लिए पॉपुलर है। और इसमें जितने साल की आप पॉलिसी लेंगे वो मैच्योरिटी तक आपको है जो उसका प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि दोस्तों, मैच्योरिटी से पहले ही आप जो किस्तें भरना है वो बंद कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक आइडियल प्लान है अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, या फिर उनकी शादी के लिए, या फिर उनकी हायर एजुकेशन। दोस्तों, कहने का मतलब अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर अगर आप बिल्कुल बेफिक्र होना चाहते हैं तो आप इस पॉलिसी प्लान को है जो चूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके अंदर ऑप्शंस की। तो इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर और दूसरा यहाँ पर टर्म राइडर, वो दोनों अवेलेबल है। इसके साथ दोस्तों, आप इस प्लान का जो भी प्रीमियम पे करेंगे उसमें इनकम टैक्स की जो धारा है 80C के तहत आप है जो छूट पा सकते हैं। वही दोस्तों, मैच्योरिटी पर जो आपको अमाउंट मिलेगा, यानी कि टोटल जो आपको फंड मिलेगा, वो भी है जो सेक्शन 1010D के तहत है जो बिल्कुल टैक्स फ्री मिलेगा। अब यहाँ पर हम अलग अलग है जो टर्म प्लान, ये कैसे होता है, कैसे काम करता है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 16 साल के लिए आप इस प्लान को है जो बाय कर सकते हैं, ले सकते हैं 21 साल के लिए, और 25 साल के लिए आप इस पॉलिसी प्लान को है जो ले सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है, तो इस पॉलिसी को लेने के लिए दोस्तों मिनिमम एज ऑफ एंट्री 8 साल की, यानी 8 साल तक की कम से कम है जो आपकी एज होनी चाहिए। बात करें यहाँ पर मैक्सिमम एज की, तो वो है दोस्तों यहाँ पर टर्म के अकॉर्डिंग है जो अलग अलग है। मान लीजिए आप इस प्लान को 16 साल के लिए ले रहे हैं तो मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पर 59 ईयर होनी चाहिए। और अगर आप 21 साल के लिए इस प्लान को बाय कर रहे हैं तो फिर मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पर 54 ईयर होनी चाहिए। वहीं अगर आप दोस्तों 25 ईयर के लिए आप इस प्लान को बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी एज है जो 50 ईयर होनी चाहिए। इसमें दोस्तों जो भी प्रीमियम कैलकुलेट होके आएगा उसको आप अपने अकॉर्डिंग है जो पे कर सकते हैं, यानी अपने हिसाब से, जिसमें दोस्तों ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली बेसिस पर, यानी दोस्तों चार तरह से आप इस प्लान का जो प्रीमियम है उसकी जो किस्तें हैं वो आप पे कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस प्लान के खासियत की। तो मान लीजिए आपने 16 साल के लिए इस प्लान को ले लिया है, बाय कर लिया है, तो आपको दोस्तों सिर्फ 10 साल तक ही है जो प्रीमियम भरना है, यानी कि 10 साल तक ही आपको किस्तें भरनी है। 6 साल आपको कोई भी यहाँ पर है जो किस्तें भरने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दोस्तों 21 साल के लिए इस प्लान को आप लेते हैं तो सिर्फ 15 साल आपको है जो प्रीमियम भरना है। वहीं 25 साल के प्लान पर सिर्फ आपको 16 साल ही है जो प्रीमियम पे करना है। बात करें दोस्तों यहाँ पर कि कम से कम कितने की पॉलिसी को हम है जो बाय कर सकते हैं, कितने की पॉलिसी ले सकते हैं, तो मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 2 लाख रुपए का है और मैक्सिमम आप चाहें जितना है जो ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपने इसमें से किसी टर्म पर है जो इस प्लान को है जो बाय कर लेते हैं और इसका जो प्रीमियम आएगा और उस प्रीमियम को आप ईयरली पे करते हैं तो उसमें दोस्तों आपको 2% की एक्स्ट्रा छूट है वो मिल जाएगी। वहीं अगर हाफ ईयरली इसको पे करते हैं प्रीमियम को तो 1% की छूट आपको है जो मिल जाती है। और दोस्तों मंथली या क्वार्टरली किस्त भरने पर आपको इस प्लान के तहत किसी भी प्रकार की छूट है वो नहीं मिलती है। तो आप ईयरली बेसिस पर ही आपके लिए है जो अच्छा रहेगा, इसमें आपको 2% की छूट मिल जाएगी। इसमें दोस्तों सम एश्योर्ड बढ़ने पर आपको छूट भी है जो ज़्यादा मिलती है। कितनी छूट मिलती है यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप 5 लाख रुपये से लेकर 9,90,000 रुपये का सम एश्योर्ड लेते हैं तो दोस्तों उस केस में आपको 1.25% की है जो छूट मिलेगी। 10 लाख से लेकर 14,90,000 पर है जो आपको 1.50% की है जो छूट मिलेगी। 15 लाख या इससे ऊपर का अगर आप सम एश्योर्ड लेते हैं तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पर है जो 1.75% की जो एक्स्ट्रा छूट है वो मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपने इस पॉलिसी को बाय कर लिया है और बीच में आपको मान लो पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, पैसों की इमरजेंसी हो जाती है, तो दोस्तों आप इस प्लान पर लोन भी ले सकते हैं। वो कैसे,
तो अगर आप 3 साल तक इस प्लान का जो प्रीमियम भर लेते हैं, यानी कि आप लगातार 3 साल तक इस प्लान के तहत जो किस्तें आती हैं उन किस्तों को आप पे कर देते हैं, तो इस पर दोस्तों सम इश्योर्ड के अकॉर्डिंग यानी जितने की आप पॉलिसी लेंगे उसके हिसाब से आपको है जो लोन मिल जाएगा, ठीक। और बाद में दोस्तों उस लोन को आप है जो रीपे कर सकते हैं, आपकी पॉलिसी पर है जो कोई भी असर नहीं पड़ेगा, आपकी पॉलिसी है जो कंटिन्यू चलती रहेगी। साथ ही दोस्तों अगर आप मैच्योरिटी से पहले यानी कि प्रीमैच्योर इस प्लान को है जो क्लोज करना चाहते हैं तो 3 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को है जो बंद करवा सकते हैं। मान लीजिए आपने 3 साल में जितना भी प्रीमियम पे किया होगा, यानी कि 3 साल में जितनी आपने किस्तें भरी है, जितना अमाउंट होगा वो दोस्तों एजेटिव आपको है जो रिटर्न मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मान लीजिए आपकी एज है यहाँ पर 29 ईयर की और 12 लाख रुपए का आप है जो सम एश्योर्ड लेते हैं, यानी कि 12 लाख रुपए की आप पॉलिसी है जो बाय करते हैं और पॉलिसी टर्म आपका यहाँ पर रहेगा 25 साल का। तो अब इसमें आपको प्रीमियम कितना है जो पे करना होगा, यानी कि कितने की किस्त आएगी, तो सबसे पहले इसमें आपको 25 साल में से 16 साल ही है जो आपको किस्तें भरनी है, जैसा कि मैंने दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो इस सम एश्योर्ड टर्म प्लान पर अगर आप ईयरली बेसिस पर है जो प्रीमियम भरना चाहेंगे तो वो होगा यहाँ पर दोस्तों 54,500 रुपये, यानी कि दोस्तों अगर इसको मंथली आप कन्वर्ट करें तो यहाँ पर है जो 4,500 रुपये आपका है जो मंथली प्रीमियम होगा, ठीक है। और दोस्तों 16 साल में टोटल आपका यहाँ पर है जो प्रीमियम यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट होगा प्रीमियम के जरिए वो दोस्तों यहाँ पर 8,80,000 रुपये का, और 25 साल में यानी कि दोस्तों 25 साल तक आप इसको पे करेंगे मैच्योरिटी पर तो ये दोस्तों अमाउंट होगा टोटल आपका यहाँ पर 32,50,000 का एक बड़ा अमाउंट है जो आपको मिल जाएगा। इसमें बात करें लाइफ कवर की तो वो दोस्तों इसमें है जो इनबिल्ट होते हैं। इसमें पहला कि जिस पर्सन ने इस पॉलिसी को ले रखा है और उसकी मान लीजिए नॉर्मल डेथ हो जाती है तो ऐसे में दोस्तों 12 लाख सम एश्योर्ड अमाउंट प्लस जो उसने प्रीमियम पे किया होगा वो दोनों है जो मिलाकर मिल जाएंगे उनके नॉमिनी को। और मान लीजिए एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो यहाँ पर 24 लाख प्लस भरा गया प्रीमियम यानी कि जितना भी प्रीमियम भरा है वो दोनों मिलाकर है जो उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। दोस्तों आप इस प्लान को अपने नज़दीकी किसी भी LIC ब्रांच में जाकर है जो खरीद सकते हैं या फिर किसी भी LIC एजेंट के जरिए आप है जो इस प्लान को ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों टर्म इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, उसकी पॉलिसी आप कैसे बाई कर सकते हैं, साथ ही दोस्तों टर्म इंश्योरेंस पर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। अगर टर्म इंश्योरेंस के बारे में फुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने चैनल पर वीडियो बना रखा है, परफेक्ट वीडियो है, और उस वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर आप वो वीडियो जरूर देखें। साथ ही दोस्तों इन्वेस्टमेंट और सेविंग के रिगार्डिंग लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही दोस्तों सेविंग और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इसी प्रकार की वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।